हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुरानी दिल्ली के जायके और ज़िंदगी। आज हम आपके लिए लाए हैं मटन का दाल गोश्त। ये मैंने मटन लिया है आधा किलो, और मैंने 2 चम्मच लिए हैं पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लिया है सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लें, और मैंने आधा चम्मच लिया है हल्दी, और 1 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च पिसी हुई, और मैंने एक बड़े साइज़ की लिए है प्याज, 2 चम्मच लिए हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी मैंने लिया है ऑयल, और 1 कप मैंने दाल को 1 घंटा पहले भिगो दिया था धोकर। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हमारे तरीके से आप ये दाल गोश्त बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा चैनल नया चैनल है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। हमें अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए, और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं और आपको उसका तरीका दिखाते हैं। देखिए, ऐसे ही मैंने कुकर जो है गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी ऑयल प्याज जो हमने काटी थी। अब हम इसको चलाएंगे। इसको तेल में अपने चलाएं, थोड़ा देर पकने देते हैं जब तक ये कलर चेंज नहीं हो जाता इसका। ठीक है, ऑयल में अच्छे से प्याज जो है कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जो हल्दी हमने निकाली थी, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे हल्के से। अब हल्दी हमने इसके अंदर 2 मिनट भून लिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना मीट। अच्छे से चलाएंगे। जब तक इसके अंदर मीट अपना कलर चेंज ना कर दे, आप इसे अच्छे से भूनें इसके अंदर प्याज और हल्दी के अंदर। देखिए, मीट ने अपना कलर जो है चेंज कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट के लिए, जितना अदरक लहसुन पेस्ट का स्मेल निकल जाए तब तक आप इसे भूनें। अदरक लहसुन और प्याज डालकर इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भून गया है अदरक लहसुन हो गया। अब जो हमने इसे पिसे मसाले निकाले थे, अदरक धनिया मिर्च, वो ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। गोश्त में जो होता है वो भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना अच्छा इसकी भुनाई करेंगे, और भुनाई हमेशा तेज़ आँच पर कीजिएगा, हल्की आँच पर ना करिएगा, जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और उतना ही अच्छा रहता है इसका स्मेल। अब आप इसको हल्का हल्का पानी डालकर 5 से 6 मिनट तक भूनते रहिए, ताकि सारे मसाले जो है मीट के अंदर मिक्स हो जाए। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेसिपीज़ को अपने घर में एक बार बनाइए, और फिर आप देखेंगे कितनी टेस्टी है। और आप हमारे कमेंट में बताइए कि आपको वो रेसिपी बनाकर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब आगे हम इसको 5 से 6 मिनट तक भून लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करेंगे इसमें। देखिए, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कितना अच्छा जो है इसको ऑयल सेपरेट हुआ है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, जबकि अभी हमने इसे पूरा नहीं भुना है, थोड़ा सा ही भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 स्टीम लेनी है, उतना ही ऐड करेंगे हम, क्योंकि हम इसमें दाल भी डालेंगे। अगर गोश्त ज़्यादा गल जाएगा तो दाल गलने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिगनर हैं और आपको दाल गलाने में प्रॉब्लम लगे तो आप थोड़ी सी बॉयल करके भी दाल डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्टीम लगा देते हैं, 2 स्टीम लगाऊंगी मैं,
तो इसलिए देखा इसमें दो सीटियाँ आ गई हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। अब आप इसका जो पानी है ये सब पानी सुखा लें और इसको बहुत अच्छे से भूनें, क्योंकि इसके बाद इसकी कोई भुनाई नहीं होगी, इसलिए आप इसी स्टेज पर इसका पानी सुखा कर इसको बहुत अच्छे से भूनें ताकि सारी स्मेल मीट की और जो हमने सामान डाला उसकी चली जाए। आप इसको 5 से 10 मिनट से तक अच्छी तरह भूनिए, जब तक इसका ये पानी सूख जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक आप इसे भूनिए। ये भून जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। देख गाइस कितना अच्छा कलर आ गया है। कलर गोश्त भुनने की असल पहचान ये होती है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले ये येलो येलो था, अब देखो उस पर ब्लैकिश हो गया है, इसका मतलब ये भुन गया है। अब हम इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करके जो भी इसका रोगन है इस रोगन को हम हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, क्योंकि हम इसमें दाल डालेंगे तो ये दाल ऊपर से डालेंगे तो ये अच्छा लगेगा। सब ना निकालें, आप थोड़ा सा निकाल लें। हमने आधा से हमने ऑयल निकाल लिया है, बाकी इसके अंदर ही हमने रह लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी दाल जो हमने भिगो के 1 घंटा पहले रखी थी। इसको डालकर भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि हमारी दाल भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप सिर्फ 2 से 3 मिनट भून लें तेज आंच पर। देखा इस दाल अच्छे से भून गई है। मैंने 5 मिनट इसको गोश्त में डाल के भून लिया है। गोश्त मैंने 30% गलाया था, उसके बाद मैंने दाल डाली है, इसलिए अब मैं इसमें 1 बाउल डालकर पानी डालूंगी, क्योंकि अभी दाल और उसको गलना बाकी है। तो आप इसमें 1 बाउल भरकर पानी डाल दें और देखें अगर पानी आपको कम लग रहा है तो आप 1/2 बाउल और डाल दें, क्योंकि दाल अच्छे से गलेगी, गोश्त भी गलेगा। अब हम इसे भूनेंगे नहीं, ये इसी पानी में गलाया जाएगा और बाकी थोड़ा पतला करके दाल रह जाएगी। अब इसके अंदर 1 बॉल आने तक हम पकाएंगे और फिर इसके अंदर लगाएंगे स्टीम। देखा इसके अंदर बॉल आ गया है, ये अच्छे से पानी उबल गया है इसका दाल का। अब हम इसमें स्टीम लगा देते हैं, अपने कुकर के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसमें 3 स्टीम लगा कर चेक करूँगी, मीट और दाल अगर गल गई है तब मैं छोड़ दूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि अभी और गलना बाकी है तो मैं 1 स्टीम और दे लूँगी। इसलिए आप भी अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से चेक कर लीजिए कि वो गली है या नहीं है। अगर गल गई है तो कोई बात नहीं है, वरना 1 स्टीम और ले लीजिए। और आपका कुकर अगर ज़्यादा जल्दी गोश्त गलाता है तो आप 2 स्टीम के बाद भी एक बार चेक कर लें। आइए अब इसमें स्टीम लगाते हैं। ये मैंने स्टीम लगा दी है, मैं 3 स्टीम के बाद चेक करूँगी। आप भी बीच बीच में चेक कर लें 2 स्टीम या 3 स्टीम के बाद, अगर आपको गोश्त थोड़ा कड़ा लगे या दाल कड़ी लगे तो 1 स्टीम और लगा लें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप मैंने इसको 3 सीटियों के बाद खोला है, दाल और मीट अच्छे से गल गया है, लेकिन मुझे दाल के अंदर जो है थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है दाल थोड़ी ज़्यादा, अगर आपको थोड़ी दाल पतली पसंद है तो आप इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर डालें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्चें काटी थी और थोड़ा सा अदरक काटा था, इसे डालकर आप इसको सर्व कर लें। लेकिन मुझे ये दाल थोड़ी पतली लग रही है, थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा पानी सुखाने तक पकाऊंगी और फिर आगे जो डालते हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। पहले थोड़ा पानी इसमें सूख जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए दाल। अगर आपको थोड़ी पतली पसंद है तो आप यहाँ पर बंद कर दें और जो आगे सामान मैं ऐड करूँगी वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। वेट कीजिए थोड़ा पानी कम होने का। देखिए अब ग्रेवी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। अब मैं इसमें सबसे पहले जो हमने ऑयल उतारा था वो ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा रोक लेंगे, जब हम इसे सर्व करेंगे उसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया, आप नमक चख लीजिएगा, यहाँ पर नमक कम लगे तो थोड़ा नमक भी डाल लीजिएगा। मेरा नमक ठीक था, मैंने नहीं डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला मेरे पास होममेड वाला नहीं था, मैंने मार्केट से जो बाय किया था वही था। आपके पास अगर होममेड हो तो आप वो डाल लें। और अब इसको देखिए 2 मिनट के लिए बस बंद कर दीजिए
और 2 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, फिर दिखाएंगे कैसे। देखिए अब 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोलते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर और रोगन भी अच्छे से। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए आप इसे अपनी डिश में निकाल लें। मैंने इसे डिश आउट कर लिया। इसमें आप इसे गार्निश करें हरा धनिया से, थोड़ा जिंजर से, और एक हरी मिर्च से। देखिए गाइस ये दाल गोश बिल्कुल रेडी है। आप इसे ट्राई करें अपने घर के अंदर और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये। और मेरी वीडियोस में बहुत मेहनत से बनाती हूँ, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। इसलिए हमें सपोर्ट और प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी डिशेस को अपने घर में ट्राई कीजिए बनाकर, और हमें बताइए आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।